नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी साथियों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपका त्यौहार रहा होगा, खूब मजे लिए होंगे। लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि SI का जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है। अभी तक तो सूचना ये मिल रही थी कि 20 या 21 तारीख में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद किसी भी दिन रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन अब जो शपथ ग्रहण समारोह की डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि 25 तारीख या उसके बाद भी हो सकता है। इसलिए SI के रिज़ल्ट को अब तेज़ी से काम चल रहा है रिज़ल्ट पे, और आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी जो है जारी कर दिया जाएगा। आपको सूचना भी नहीं मिलेगी कब रिज़ल्ट आ गया, पता लगा कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि रिज़ल्ट आ गया। इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है, इसलिए रिज़ल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। रिज़ल्ट किसी भी समय आपका आ सकता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने DBPST पे ध्यान दें। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट कम ना हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो उसके लिए आप उसका वी विकल्प तैयार रखिए, यानी कि जैसे कोई डिग्री आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री ले लीजिए, या कोई आपने कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगाया है, अब बुक हो गया है, आप नया बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इस तरह की प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट करके रखिए, यानी कि आपके लिए DB में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ में अपने फिजिकल पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, रनिंग करते रहिए, रनिंग करना शुरू कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप रनिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से रनिंग कर लेंगे। मेल के लिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर है, और फीमेल्स के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर है। इसलिए रनिंग को इतना अच्छा करिए कि आप जो है 20-22 मिनट में आराम से निकाल सकें। 25 मिनट तक भी ले जा रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 23-24 मिनट के अंदर लेकर आएंगे, 22 मिनट तक लाएंगे, तो वहाँ आप बहुत अच्छे से रनिंग कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रनिंग आपकी मॉर्निंग में ही हो या इवनिंग में ही हो, रनिंग वहाँ एनी टाइम आपकी हो सकती है। पता लगा कि आप सुबह से लाइन में लगे हैं, दोपहर में नंबर आया, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए फिजिकल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, रनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। और रिज़ल्ट की चिंता ना करिए, रिज़ल्ट आपका किसी भी समय जारी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए आज के लिए कि आपका रिज़ल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे क्वेश्चन करिए, आपके क्वेश्चनों का जवाब दूंगा, और प्रयास करूंगा बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइव आऊं और आपके सारे सवालों का जवाब दूं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।